आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। पेश है दिन भर की अहम खबरें। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं, फारूक अब्दुल्ला। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीजें लिखी हैं। वजीर आजम का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। किसी को फर्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फर्क नहीं दिखता। 14 से 24 सितंबर तक जम्मू में होगा 54वां महायज्ञ कार्य। कथा करने इस वर्ष भी हर साल की तरह 14 सितंबर को लिए 24 सितंबर तक जग करने जा रहे हैं। सारे देशवासी बाबा जी प्रेरणा देंगे कि जग च जरूर आना चाहिए, जग की सेवा करनी चाहिए। जग सारा लगातार हर वर्ष होता है, चुनजमाया जग करने जा रहे हैं। सारे जिन्हें भी साढ़े जम्मू के चैनल उनका धन्यवाद करने। सुप्रीम कोर्ट के दौरान उठाए गए सवालों पर हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं, उमर अब्दुल्ला। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल कम बिफोर द असेंबली इलेक्शंस। लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू से ऑन दिस मैटर। द सुप्रीम कोर्ट रेज्ड सम वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस ऑन द होल प्रोसेस दैट वाज फॉलोड टू ब्रेक अप J&K एंड देन रिड्यूस इट फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी। द गवर्नमेंट हैड नो आंसर्स neither on the process nor on the time nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says. I don't believe that this is something the lieutenant governor himself can decide. Police ke mutabik badgam mein ek hybrid militant aur uska saathi pulwama mein lashkar taiba se wabasta do militant giriftar. जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी पर उनकी खिदमत को किया खराज तहसीन पेश।